नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये है, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था बोडे प्लॉट का, ये आज हम करने जा रहे हैं। मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ, जो होमवर्क दिया था। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा, नहीं ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, आई एम सॉरी टू से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पे db वर्सेस ओमेगा का ग्राफ दिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, थ्री जीरोस का मतलब क्या होता है, 3 × +20, दैट मींस +60 dB, ठीक है। टू पोल्स का मतलब 2 × −20, यानी कि -40 dB पर डिकेड, ये स्लोप चेंज है। वन पोल का मतलब 1 × −20, यानी कि -20 dB पर डिकेड का स्लोप चेंज है। अब आप इसमें देखिए, गेन जो है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है 140 − 20, यानी कि +120 dB, मतलब व्हेन ओमेगा चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 10, तो आप देखिए, एंड 1 टू 10, जब वो 0.1 टू 10 चेंज हो रहा है एंड 1 टू 10, तो टू डिकेड स्लोप है। 0.1 चेंज इन स्लोप इज +60 dB पर डिकेड, मतलब थ्री जीरोस का मतलब तो यही हुआ ना, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। फिर उसके बाद आप देखिए कि ओमेगा इक्वल टू 10 में चेंज इन स्लोप इज फ्रॉम +60 dB है टू 20 dB पर डिकेड है, मतलब कि आप यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, दैट इज आप कह सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट ये कह सकती हूँ कि 20 dB डिकेड पर चेंज कैसे है, क्योंकि जहां टू पोल्स हैं और जहां थ्री जीरोज हैं, तो यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट होगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो हो गया +60, यहाँ पे कितना डीबी का चेंज होगा, जो टोटल रिजल्टेंट जो चेंज इन स्लोप आएगा, इट शुड बी +20, तभी तो आप 20 − 60 करेंगे, तभी तो -40 dB पर डिकेड का चेंज आएगा। यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेंगे। ओमेगा इक्वल टू 100 में चेंज इन स्लोप इज फ्रॉम, ये कहां से कहां तक है, चेंज इन स्लोप कितना है, एट ओमेगा इज इक्वल टू 100 चेंज इन स्लोप कहां से कहां तक है, इट इज फ्रॉम, चेंज इन स्लोप इज फ्रॉम 20 dB पर डिकेड, 20 dB पर डिकेड टू 0 dB, यही होगा ना, दैट इज आप कह सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, 0 − 20, यानी कि -20 dB पर डिकेड, यही होगा ना, यानी कि वन फाइनाइट पोल हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलेगा, अब आप देखिए, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालती हूँ तो इट शुड बी, आप देखिए कि मैग्नीट्यूड इज 20 dB एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, ओके, आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड इज 20 dB एट ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, 20 log base 10 K इज इक्वल टू 20, विच इंप्लाइज हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए के इज इक्वल टू 10^1 इज इक्वल टू 10, तो के तो 10 हो गया, तो यहाँ पे हम इसको 10 लिखेंगे, जीरोज थ्री जीरोज हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 0.1, तो 1 + s/0.1 का होल क्यूब आएगा, फिर यही तो आएगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पे टू पोल्स कह रहा है, तो यहाँ पे 1 + s/10 आएगा, कायदे से यही आना चाहिए ना, 1 + s/10, तो इसका जो ये होगा, इधर ये होगा 1 + s/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये हो जाएगा एंड इंटू 1 + s/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + s/100, ठीक है। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लो, इधर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, s + 10 का होल स्क्वायर इंटू s + 100, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 था ना, तो ऊपर चला जाएगा ये 10^4 इंटू 10 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.1 + s का होल क्यूब, और 0.1 का होल क्यूब का मतलब कितना हो गया, ये 0.1 का होल क्यूब, दैट मीन्स 0.001, यही होगा ना। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आना चाहिए आपका, हाँ, तो ये 5 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10³ आ गया, तो ये 10^8 हो गया, s + 0.1 का होल क्यूब / s + 10 का होल स्क्वायर इंटू s + 100, सी ऑप्शन, ठीक है। तो
तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आज मैं आपको सिग्नल सिस्टम से क्वेश्चंस करा रही हूँ। सिग्नल सिस्टम्स में देखिए ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एन एक्साइटेशन इज अप्लाइड। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एक्साइटेशन इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। एक्साइटेशन जानते हैं ना, एक्साइटेशन इट मींस इनपुट। अगर इसको देखें तो ये क्या है, इनपुट है। एन एक्साइटेशन इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, ये इनपुट है। इट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी एंड इट्स रिस्पॉन्स इज जीरो फॉर माइनस इन्फिनिटी लेस देन टी लेस देन कैपिटल टी। सच अ सिस्टम इज, देखिए फॉर द गिवन सिस्टम इफ द रिस्पॉन्स इज जीरो prior to the application of excitation, मतलब before the input is applied, ठीक है, before the input is applied or fed to the system, the response of the system, your system response is zero, then system को हम क्या बोलते हैं, causal system बोलते हैं। You should be knowing that ht equal to zero for t negative, ठीक है, तो ये क्या होगा, causal system ही तो होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सिस्टम कॉजल सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने दिया ना t इक्वल टू कैपिटल t पे लगाया है आपने इनपुट और उसका आउटपुट जीरो है फॉर बिफोर t, बिफोर रीचिंग आउट द t, इट मींस वो कॉजल है। नेक्स्ट है, अ सिस्टम विद एन इनपुट एक्स टी एंड द आउटपुट वाई टी इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी, देन दिस सिस्टम इज, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देयर इज, ठीक है, इसमें आप देखिए क्या आएगा, सबसे पहले ए वाई वन टी इज इक्वल टू ए टी एक्स वन टी, ये हो गया ए वाई टू टी इज इक्वल टू ए टी एक्स टू टी, और यहाँ पे दोनों को आप ऐड करो तो ए वाई वन टी प्लस वाई टू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ऑफ टी एक्स वन टी प्लस टी एक्स टू टी, ठीक है, तो सिस्टम क्या है, द सिस्टम इज लीनियर, सिस्टम इज लीनियर। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, डिले कर देंगे सिस्टम को, दैट मींस आप कह सकते हो y ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट ऑफ x t माइनस टी नॉट, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करा है, डिले इंट्रोड्यूस कर दिया है, डिले इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम वेरिंग है, क्योंकि आप देखिए टी माइनस टी नॉट टी माइनस टी नॉट, तो इट मींस कि जितना आप इनपुट को डिले कर रहे हैं उतना आउटपुट भी डिले हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या होगा, लीनियर एंड टाइम वेरिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट डेल्टा टी डिनोट द डेल्टा फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता होगा कि ए इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी कॉस थ्री टी बाय टू इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये डी टी है, आपने पढ़ा होगा ना, एरिया अंडर द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इज वन होता है ना, तो अगर आप ये करेंगे तो ये एफ जीरो मान लीजिए लिख लिया है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है, एट टी इक्वल टू जीरो इसकी हाइट इनफाइनाइट होती है ना, तो आप ये देखिए कि ये कितना हो जाएगा, ये होगा cos 3t by 2 at t equal to 0, तो ये कितना हो जाएगा cos 0, this is 1, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a। अब उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, If a signal ft has energy e, the energy of the signal f of 2t is, देखिए energy का formula क्या होता है, e is equal to इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी। अगर मान लीजिए ये सिग्नल एफ टी है, एफ टी इज द सिग्नल फंक्शन, ठीक है, यू नो सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच कन्वे सम इन्फॉर्मेशन, तो ये है, अब आप इसमें ई डैश निकालिए, ई डैश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टू टी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब आप इसमें आप देखिए 2t, 2t को आप x मान लीजिए, तो यहाँ पे dt इज इक्वल टू डी एक्स बाय टू हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा डीएक्स, ये कितना हो जाएगा डीएक्स बाई टू, मैं से लिख सकती हूँ ना। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रख दीजिए, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, इट मीन्स कि ये जो इतना फंक्शन है ये हो जाएगा ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू, नहीं हो जाएगा ये पूरा जो है अगर देखा जाए तो ये पूरा क्या हो गया, ये तो ई हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सिग्नल ऐसे हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना कंप्रेशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू एक्सपेंशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड एक्सपेंशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू कंप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। ये आप एक बार, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है लेकिन अभी मैं सिग्नल की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट पी बी लीनियरिटी, क्यू बी टाइम इन वेरियंस, आर बी कैजुअलिटी एंड एस बी स्टेबिलिटी। अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हैज द इनपुट आउटपुट रिलेशन वेयर एक्सएन इज द इनपुट एंड वाई एन इज द आउटपुट, देन द सिस्टम इज, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक्स एन इनपुट है वाई एन आउटपुट है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमें टाइम वेरिंग करना है ना, तो आप कैसे करेंगे, वाई एन माइनस एन नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट प्लस वन, ये होगा टाइम वेरिंग, ठीक है। अब आप वाई ऑफ एन लीजिए, अब आप इसमें देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे तो आपने इसको डिले कर दिया ना, देखिए एक्स एन एन माइनस एन नॉट प्लस वन टाइम वेरिंग है ये, और ये जो फंक्शन है एक्स ऑफ एन प्लस वन ये आपको गिवन है, दिस इज योर गिवन। तो ये जो फंक्शन है डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर वैल्यूज, ये किस पर डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन, क्योंकि प्लस वन है तो फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको डिले कर देते हैं एन माइनस एन नॉट प्लस वन, तो ये टाइम वेरिंग हो गया। वाई वन अगर आप रखेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू वन रखेंगे तो ये एक्स ऑफ वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉन कॉजल, नॉन कॉजल हो जाएगा। फॉर बाउंडेड इनपुट द सिस्टम हैज बाउंडेड आउटपुट, फॉर बाउंडेड इनपुट द सिस्टम हैज बाउंडेड आउटपुट, ओके। अब आप देखिए इसीलिए ये क्या है, ये स्टेबल है, दिस इज सो सिस्टम इज स्टेबल, ओके। स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। अब आप देखिए वाई ऑफ एन लेंगे, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन है एंड दिस इज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और जब इसकी वैल्यू जीरो है फॉर एन इज इक्वल टू जीरो है, और यही तो फंक्शन, यही तो वैल्यू दिया है ना आपको, तो ये वैल्यूज एप्लीकेबल हो रही है ना, एक्स ऑफ एन प्लस वन दिया है और क्या दिया है फॉर एन लेस देन इक्वल टू माइनस वन, फॉर एन लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये कौन सा फंक्शन होगा, इसमें अगर देखा जाए तो अबव सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए पी इज फॉर लीनियरिटी, की इज फॉर, क्यू इज टाइम इन वेरियंस, तो ये जो सिस्टम है ये टाइम इन वेरियंस तो नहीं है, टाइम इन वेरिंग फंक्शन नहीं है, दिस इज टाइम वेरिंग फंक्शन, ठीक है। एंड इसमें आप देखिए कि इसका जो आंसर होगा, सिस्टम स्टेबल है क्योंकि हम इसमें वैल्यूज रख रहे हैं ना, देखिए वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन, इट मीन्स इट इज लीनियर, ये तो कोई मतलब नहीं है वाई एन इक्वल टू जीरो फॉर एन इक्वल टू जीरो, वाई एन इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन, इट मीन्स इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट, अगर ठीक है तो इट मीन्स ये नॉन कॉजल है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लीनियर है, स्टेबल है, बट इट इज टाइम, इट इज नॉट टाइम इन वेरियंस, इट इज टाइम वेरियंट एंड इट इज नॉन कॉजल, तो इसीलिए इसका ए फंक्शन होगा। ये तो दिख ही रहा है कि फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो आप इनपुट में मल्टीप्लाई करोगे वो आउटपुट में है, तो ये लीनियर है, तो लीनियर है और नॉन कॉजल है, बट इट इज सिस्टम स्टेबल भी है क्योंकि फॉर बाउंडेड इनपुट द सिस्टम हैज बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। तो हाँ जी एन की वैल्यू जब आप इसको करेंगे तो ये, क्योंकि इसकी वैल्यूज भी तो देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया है, ये वन से ज्यादा है और वन माइनस वन टू वन है, एक तरह से एक्स एन की वैल्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे है ना, तो लीनियर है टाइम, दिस इज फंक्शन इज लीनियर, दिस इज टाइम वेरिंग, दिस इज स्टेबल एंड दिस इज नॉन कॉजल, ठीक है। इज इट ओके, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, देखिए सिस्टम इज स्टेबल कब नहीं होता है, फॉर बाउंडेड इनपुट व्हेन द आउटपुट इज नॉट बाउंडेड, व्हेन इट इज नॉट बीबो, जब ये बीबो नहीं होता है,
तब सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास YTT है, इन्फिनिटी, आप ये कह सकते हैं ना कि जब वाई डैश टी हो या वाई डैश एन हो, इट इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट, तब तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका टाइम वेरिंग होगा ना, तब तो आपका सिस्टम क्या होगा, इट इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, इट इज टाइम वेरिंग। फॉर अगर इनपुट है, इनपुट आपका बाउंडेड है, तो आप ये कह सकते हैं एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका अगर आउटपुट इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब वो जीरो नहीं हो रहा ना, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और आउटपुट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो इट मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल, इसीलिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कि कंसिडर द सीक्वेंस। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, यहाँ जहां हम एरो लगाते हैं इसका मतलब ये जीरो है, ये माइनस वन है, ये वन है। द कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द सीक्वेंस पूछ रहा है। पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स एन इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट माइनस एन, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्या है, एक्स एन है, अब एक्स एन माइनस के कितना हो जाएगा, अभी चलिए वो भी छोड़ दीजिए, आप पहले एक्स कॉन्जुगेट माइनस एन निकालिए। जब आप ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, जैसे 4 हो गया, 1 माइनस जे 2 हो गया, और ये माइनस 4 प्लस जे 5 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें x कॉजल ऑफ n रखेंगे, ठीक है। अब आप इसमें आप देखिए कैसे हो जाएंगे, इसका क्या फंक्शन होता है x कॉजल ऑफ n का, x ऑफ n माइनस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना। अब आप इन दोनों को करिए, जैसे जैसे आप, आपके पास एक्स एन क्या था, माइनस फोर माइनस जे फाइव, वन प्लस जे टू, एंड दिस इज 4, यही था ना। तो अब आप एक्स एन माइनस एक्स कॉन्जुगेट माइनस एन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए व्हाट इट इज अराउंड, ये करीबन आएगा आपका माइनस एक्स कॉन्जुगेट माइनस एन, दैट मीन्स ये आपका होना चाहिए, रुकिए, माइनस फोर माइनस जे फाइव, ठीक है, एंड माइनस माइनस फोर प्लस जे फाइव, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में निकालना क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका करीबन आएगा माइनस फोर माइनस जे 2.5, फिर आपका ये 1 माइनस जे 2, 1 माइनस 1 और प्लस जे 2, तो ये प्लस जे 2, ये आपका कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, जे 4 हो गया ना, 1 प्लस जे 2 एंड 1 माइनस जे 2, तो माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, एंड माइनस जे 4, माइनस जे 4 बाय 2, तो ये कुछ, हाँ, तो ये जे 2 आएगा, और एक आएगा आपका 4 माइनस जे 2.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इसमें देख लीजिए इसका फिर आंसर क्या आएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा ये आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, ये सॉरी ये कॉजल नहीं है, ये है आपका कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, जो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ CAN, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, सॉरी CAS है, CAS। तो जब आप इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे ना, जैसे xn, जैसे माइनस फोर माइनस जे फाइव प्लस फोर माइनस जे फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे ये हाँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से तो आएगा, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन है। तो क्वेश्चंस अगर इंटरेस्टिंग लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।